अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। ओट शरीफ के नवाही इलाके में नाई का काम सीखने वाले 14 साल शागिर्द से उस्ताद के 3 साथियों के हमरा मुबैना जिनसी ज्यादती रास फाश होने के खौफ से मुबैना काला पत्थर पिला दिया। लड़की की हालत तशवीशनाक, जिला अस्पताल में जेरे इलाज। वोरसा का मकामी थाने के पुलिस पर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई न करने का इल्ज़ाम। पुलिस के आला हुकाम से कार्रवाई को यकीनी बनाते हुए इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। ओट शरीफ के नवाही इलाके खैरपुर डहा के रिहायशी मेहनतकश मोहम्मद सरफराज ने मकामी थाना धोरकोट की पुलिस को दी गई दरख्वास्त में रिपोर्ट कि उसका छोटा भाई 14 साल मोहम्मद शफीक नाई का काम सीखने के लिए अपने उस्ताद अंसर अमीन की दुकान पर जाता था। 10 रोज कबल का वाकया है कि अंसर अमीन ने असद अमीन पसरान गुमर नाई और अपने दो नामालूम साथियों के हमरा मेरे भाई को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और फिर रास फाश होने के खौफ से उसे मुबैना काला पत्थर पिलाकर घर भेज दिया, जिसकी हालत गैर होने पर हम उसे प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गए, जिसने बताया कि इसे काला पत्थर दिया गया है, उसे सरकारी अस्पताल की एमरजेंसी में ले जाओ। हम मरीज को लेकर जिला अस्पताल बहावरपुर गए, जहां वो पिछले 10 रोज से जेरे इलाज है और उसकी हालत तशवीशनाक है। जबकि मकामी पुलिस थाना धोरकोट ने तहाल कोई कार्रवाई नहीं की। हमारा आरपीओ डीपीओ बहावलपुर सर्कल पुलिस अफसर अहमदपुर शर्किया समेत दीगर पुलिस के आला हुकाम से मुतालबा है कि मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए इंसाफ फराहम किया जाए। डीआईजी ऑपरेशन साजिद कयानी के हिदायत पर एसएचओ फैक्ट्री एरिया शब्बीर अवान का पतंगबाजी के तदारुक के सिलसिले में ऐसा इकदाम। पतंगबाजी रोकने के लिए पुल और बिजली के खंभों पर ताने लगवाना शुरू कर दी गई हैं और कैंडा विजन के तमाम थानों की हदूद में मसाजिद में ऐलानात का सिलसिला जारी है। रवा भरस कैंडा विजन में पतंगबाजी पर 2648 मुकदमा दर्ज करवाए गए। मुलजिमान के कब्जे से 26,000 से ज्यादा पतंगे, 626 चरखियाँ और पिनी डोर बरामद की गई। पतंगबाजी एक जानलेवा खेल है, अपनी और दूसरों की जिंदगियों को पतंगबाजी जैसे खूनी खेल से महफूज रखें। एसएसपी ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के हिदायत पर ठट्ठा पुलिस के जराइम के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। राहजनी और चोरी में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार, चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। एसएचओ थानागारो इंस्पेक्टर मुमताज अली बरोही और इंचार्ज पुलिस पोस्ट गजो सब इंस्पेक्टर इमदाद हुसैन पेनहोर विमा स्टाफ दौरान गश्त खुफिया तला मिलने पर के डी ए नाली शेख तराबी लिंक रोड पर करीब कामयाब कार्रवाई करके एक मुलजिम शौकत अली वल्द हाजी खेओ को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से जराइम में इस्तेमाल की चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद करके थाना घरों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दीगर मुलजिमान के लिए पुलिस में छापे जारी, मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है, मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस जेर हिरासत में नौजवान की हलाकत का मामला। मरकजी मुलजिम साबिक एसएचओ जुल्फिकार उडानो को शाही प्रोटोकॉल के साथ अदालत लाया गया। जुल्फिकार उडानो को डीएसपी आमरी और एसएचओ सेवन की निगरानी में अदालत लाया गया। सेवन पुलिस ने मरकजी मुलजिम को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया। सेवन शरीफ के सेकेंड सिविल जज की अदालत ने मुलजिम को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जेल कस्टडी कर दिया। हमारे नौजवान शहीद राशिद लाशारी के कातिल एसएचओ को लॉकअप में मोबाइल फोन समेत दीगर सहूलियात दी जा रही है। लवाहिकीन का इल्ज़ाम, राशिद लाशारी को मोटरसाइकिल चोरी के शुबे में लॉकअप करके तशद्दुद किया और हलाक कर दिया था। इंसाफ किया जाए, वोरसा का मुतालबा। 8 साल मुबीन के अंधे कत्ल के होलनाक वारदात ट्रेस। एसडीपीओ काहना सर्कल शुएब मेमन के सरबराही में एसएचओ निश्तर कानूनी अब्दुल वाहिद और उनकी टीम की बड़ी कामयाबी। 8 साल मुबीन के अंधे कत्ल की वारदात में मुलव्वस दो मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल मुबीन के अगवा और कत्ल का मुकदमा 16 अप्रैल को थाना काहना में दर्ज किया गया था। गिरफ्तार मुलजिमान में 8 साल अली शेर और 10 साल जैद शामिल है। मुलजिमान का दौरान तफ्तीश कत्ल की होलनाक वारदात का एतराफ। मुलजिमान ने मकतूल मुबीन को मामूली तल कलामी पर ईंटे मारकर कत्ल किया था। एसडीपीओ कहना कत्ल के बाद मकतूल की लाश को खेतों में दबा दिया था। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर साजिद कयानी की एसडीपीओ कहना और उनकी टीम को शाबाश। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेगी। एसपी मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद। सदर डिवीज़न में नजायज़ असलहा के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। नवा साल 6 माह के दौरान नजायज़ असलहे के खिलाफ 814 मुकदमा दर्ज किए गए। मुलजिमान के कब्जे से 12 कलाशनकोफ, 94 राइफल बरामद की गई। मुलजिमान से 94 बंदूकें, 671 पिस्टल बरामद किए गए। मुलजिमान के कब्जे से 7,000 से ज्यादा गोलियां भी बरामद की गई। नजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। एसपी सदर हफीज़ुर रहमान बुगटे।
साहिवाल जिले इंतजामिया का घेरा, फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। साहिवाल पाक पतन रोड पर नजायज मुनाफा खोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 दुकानों को जुर्माने और 7 को वार्निंग जारी कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल बाबर बशीर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल मियाँ सरमद हुसैन की जेर निगरानी आज नजायज मुनाफाखोरी के हवाले से पाक पतन रोड का विजिट किया। इस मौके पर स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काजिम सत्तार, इंजीनियर एग्रीकल्चर साहिवाल में मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा कि नजायज मुनाफाखोरी एक लानत है जिसके खिलाफ हम सब लोगों को मिलकर जहाद करना होगा, क्योंकि नजायज मुनाफाखोरों गरीब आदमी की जेब पर डाका डाल रहे हैं। अवाम उन्नास को चाहिए कि वो नजायज मुनाफाखोरों की निशानदही करें, इंशाल्लाह नजायज मुनाफाखोरों से आड़े हाथों से निपटा जाएगा। हाली रोड पुलिस की कार्रवाई में भारी मकदार में खाम माल मुजर सेहत मेनपुरी की सप्लाई नाकाम, एक मुलजिम गिरफ्तार। SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख साहब के अहकाम पर अमल दरामद करते हुए हाली रोड पुलिस की समाजी बुराइयों में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। SHO सब इंस्पेक्टर गुलाम फारूक राहपोटो की SIP मुबारक अली लाशारी और दीगर स्टाफ के हमरा कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग हाली रोड पुलिस को मुखफी तला मौसूल हुई कि एक शख्स करोला कार नंबर BHB667 में सवार खाम माल मुजर सेहत मेनपुरी की सप्लाई के लिए आ रहा है। हाली रोड पुलिस ने बर वक्त फतेह टेक्सटाइल मेल के करीब नाकाबंदी करते हुए मौके तला पर मौसूल होने वाली करोला कार BHB667 भरंकाला को रोक कर चेक किया, जिसमें दौरान तलाशी 13 कट्टे खाम माल मुजर सेहत मेनपुरी और 300 तैयार शुदा मेनपुरी बरामद हुई। हाली रोड पुलिस ने कार में सवार मुलजिम मोहम्मद वसीम वल्द जावेद मेमन को गिरफ्तार करके मुलजिम के खिलाफ गुटका एंड मेनपुरी एक्ट 2019 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से बरामद करोला कार नंबर BHB667 को पुलिस तहवील में ले लिया गया है। सूबाई वजीर मीर सलीम अहमद खान खोसा, साबिक निगरान वजीर आला बलोचिस्तान नवाब गौस बख्श बारोजई, साबिक वजीर आजम अलहाज मीर जफरुल्ला खान जमाली के फर्जंद मीर जावेद खान जमाली, कटबार शरीफ के सज्जादा नशीन मियाँ अब्दुल गफूर साई, सैयद अब्दुल्ला शाह, मीर शौकत मंगल जई, सरदार जुल्फिकार खान सरके, निजामुद्दीन लहड़ी, अली बख्श जमाली, सहाफियों नूर अहमद जमाली, धुनी बख्श बख्शी, जावेद धरपाली, सरफराज अहमद सोलंगी, मोहम्मद सलीम खोसा, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जाम इमदाद अजन, पनहल खान खोसा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सोहबतपुर, अब्दुल नबी अबड़ों और इलाके के सियासी और समाजी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी, वकला बिरादरी ने साबिक वजीर आजम पाकिस्तान हाजी हजार खान खोसा की वफात पर DIG मोटरवे बरकत हुसैन खोसा, एडवोकेट अमजद हुसैन खोसा और शफकत हुसैन खोसा से ताजियत का इजहार कर रहे हैं। पुलिस सदर सर्कल बहावलपुर का मोटरसाइकिल चोर गैंग्स के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, 3 बैनुलजलाई गैंग्स गिरफ्तार, 25 मोटरसाइकिल्स बरामद, मालिकान के हवाले कर दी गई। शहरियों का खराज तहसीन, जराइम को ट्रेस करने और मसरू का माल बरामद करने से आवाम का पुलिस पर एतमाद बहाल होता है। जराइम बरखिलाफ़ माल के मुकदमात हर सूरत ट्रेस करके उन्हें हतमी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। DPO मोहम्मद फैसल कामरान, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब इनाम गनी और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल अवान की जराइम बरखिलाफ माल के मुकदमात की ट्रेसिंग और मुलजिमान की गिरफ्तारियों से मुतालिक पॉलिसी के तहत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फैसल कामरान ने बहावलपुर की पुलिस को टास्क दिए थे, जिसके पेश नज़र SP सदर सर्कल मोहम्मद शाहजेब चाचड़ की सरबराही में ऑपरेशन टीम ने मोटरसाइकिल चोर गैंग्स के खिलाफ भरपूर एक्शन लेते हुए 3 बैरुलजलाई गैंग्स गिरफ्तार कर लिए। उनमें सज्जादी बलोच गैंग, एजाजी गैंग और राशिद गैंग शामिल है। गिरफ्तार अरकान में सज्जाद बलोच, नोमान, एजाज, असगर, राशिद, जावेद, यासिर, खेजर और अजहर उर्फ केकर गिरफ्तार। थाना सदर बहावलपुर समा सटा मुसाफिर खाना और अब्बास नगरपुर ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मुलजिमान की निशानदही पर 25 अदद मोटरसाइकिल्स बरामद करने के बाद कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक बरामद शुदा मोटरसाइकिल्स मालिकान के सपुर्द कर दी। इस मौके पर शहरियों और सिविल सोसाइटी ने पुलिस के इस कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन पेश किया और कहा कि हमारे लिए बहुत खुशी और तस्कीन की बात है कि हमारे चोरी शुदा मोटरसाइकिल हमें वापस मिले हैं। हमारी मायूसी को पुलिस ने खुशी में बदल दिया है। इस मौके पर DPO मोहम्मद फैसल कामरान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बहावलपुर पुलिस की कमांड संभालने के साथ ही मेरा ये अज़्म था कि हर मुमकिन वसाइल और इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अवामी खिदमत और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को एक मकाम तक पहुँचाना है। जराइम बरखिलाफ़ माल ऐसे जराइम होते हैं जिनकी ट्रेसिंग और रिकवरी की जो है वो एक सहूलत होती है और एक सर्विस डिलीवरी को एक मकाम
अंजाम तक पहुँचाना है। जराइम बरखिलाफ माल ऐसे जराइम होते हैं जिनकी ट्रेसिंग और रिकवरी एक अहम टास्क होता है, जिसको सदर सर्कल पुलिस ने बखूबी निभाया है। मुस्तकबिल में भी ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। DPO ने सदर सर्कल पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए तारीफी सर्टिफिकेट्स देने का ऐलान किया है। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज।